जाएगी मेरे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन त्रिवेदी, ये मेरे 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 पापा, मेरे पापा, मेरे 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 पापा, और ये ये मेरा मेरा घर, चलाते थे कौन से वो उड़चन जब जुल्फे तेरी, आपको नहीं पता होगा। और पापा सुबह सुबह काम पे चले जाते थे, और वो क्या होता है, लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक में वो वापस आ जाते थे मुझे और चुटकी को खाना खिलाने के लिए। और पापा बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बहुत बहुत ही कमाल का खाना, एकदम गिड़की तोड़, क्योंकि हमारी हमारी माँ नहीं थी ना, तो माँ चुटकी के पैदा होने के वक्त वो मुझे माँ के बारे में ज्यादा याद नहीं, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए हीरो थे। मैं और चुटकी ना घर पे वेट करते थे, ये चला के बैठ जाते थे कि पापा काम से वापस कब आएंगे, और बैठ के हम सब मिलके खाना खाएंगे, बातें करेंगे, कब भी लड़ाएंगे। फिर एक दिन मैं चुटकी और पापा हम बिछड़ गए। जब मुझे होश आया तो मैं मंदिर की सीढ़ी पर मिली, पापा नहीं थे, पापा गायब हो गए। मुझे शिवाय आपको मेरा घर मिल गया है, हाँ तो पापा भी मिल गए होंगे, प्लीज मुझे बताइए पापा कैसे, पापा ठीक है, मुझे पापा से मिलना, पापा से मिलना प्लीज, शिवाय प्लीज मुझे पापा से मिलना, हाँ। मुझे बताइए, वो ठीक है, हम अभी उनसे मिलने चलते हैं, चलिए। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक। मंदिर की सीढ़ियों को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों
लेकिन कुछ कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा मैं, तो ऐसे क्यों छोड़ती? कैसे बताऊं मैं तुम्हें अनिका, तुम्हारे पिता पर जो इल्जाम लगा था उसके बाद सबने तुम लोगों से रिश्ता तोड़ लिया होगा। अगर उस वक्त ने हमें सहारा दिया होता तो चुटकी चुटकी मेरे साथ होती। चुटकी को मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे लिए, मेरा वादा है तुमसे। चुटकी को मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा चुटकी। तो भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी तुम्हारे लिए, एक सरप्राइज भी है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी लाया। क्या सरप्राइज? बैठो बैठो। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हैं आप? शिवाय, शिवाय किधर है? मुझे डर लग रहा है शिवाय। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बर्थडे कब है। बर्थडे कब होता है? जिस दिन इंसान का जन्म होता है ना अनिका, वही दिन उसका बर्थडे कहलाता है। और आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम्हें अपनी पहचान मिली है। तुम्हारी कड़वी यादों की जगह खूबसूरत यादों ने ली है। इसीलिए आज से हर साल इसी दिन हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप ये जानते कि आज आपने मुझे क्या दिया? केक फिर भी काटना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं मोटी हो जाऊंगी लेकिन। बच्ची मेरे बेटे को जेल भेजकर खुशियां मना रही है। मना ले मना ले, क्योंकि ये तेरी जिंदगी की आखिरी खुशी होगी।
जी। वाह मेरे भतीजे, तुम तो बड़े तेज निकले। दांतों एक ही दिन में अनिका के बाप की पूरी केस हिस्ट्री निकाल ली। तुमने उसे बताया उसका बाप एक खूनी था? कुत्ते पे आइए, मुझसे आके मिलो अभी के अभी। क्या हुआ? देखिए ना। सॉरी, मुझे वो फोन आया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, करना पड़ेगा। मैं तुम्हें रास्ते में घर पे छोड़ दूंगा। ठीक है। नहीं, बुलाया मुझे। हाय हाय, गुस्से में क्यों? तेरे भले के लिए बुलाया। गेट टू द पॉइंट, बात क्या? मैं तेरे सर पे सेहरा सजाना चाहती हूँ मेरे भतीजे। मैं चाहती हूँ तू अनिका को छोड़ के दूसरी शादी कर ले। तबीयत तो ठीक है आपके? यहाँ बेटे की जेल जाने की खुशी या गम आप बर्दाश्त नहीं कर पाई है। You know what, Dua, you need help. मैं आपके लिए डॉक्टर भिजवाता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ शिवाय, मैं जो कह रही हूँ तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू ये सब नहीं करेगा तो मैं अनिका के बाप की सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। ये धमकियां किसी और को देना, मैं जानता हूँ हर्षवर्धन त्रिवेदी के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं। उन पे इल्जाम जरूर लगा था लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। इल्जाम साबित नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने सबूत छिपा दिया था। कैसा सबूत? मेरे पास अनिका के बाप का सुसाइड नोट है जिसमें उसने कबूल किया है कि उसने कल्याणी मिल्स को आग लगाई थी और उसी ने मिस्टर कपूर को मारा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बेतुकी बातों पर यकीन कर लूं? मेरी बात पे ना सही, इस पे तो यकीन करेगा। मैं हर्षवर्धन त्रिवेदी उन सैकड़ों मासूम लोगों का दोषी हूं जिनकी जान कल्याणी मिल हादसे में गई। मैं कबूल करता हूँ कि वो आग मैंने लगाई थी और यही नहीं, मैंने मिस्टर कपूर की भी जान ली। मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए गए थे। अपनी दोनों बेटियों को अच्छा भविष्य देने के लालच में मैंने ये गलत काम तो कर दिया लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। उन सैकड़ों मासूम लोगों की चीखें मुझे हर वक्त सुनाई देती है। मैं एक खूनी हूँ, इस बोझ के साथ मैं जी नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिवेदी, absolute nonsense. Anika ke pita aisa nahi kar sakte. I don't believe this. Kya kar diya tumne? Note phad diye, saboot khatam kar diya tumne. Koi baat nahi. Iski copy hai mere paas. वैसे सबूत की कॉपी मेरे फोन में भी है, एक मिनट। तू तो तिलमिला गया शिवाय। लगता है घबरा गया। वैसे तेरी घबराहट जायज है क्योंकि तू भी जानता है कि अनिका को पता चल गया कि वो एक खूनी की बेटी है तो उस पर क्या बीतेगी? ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अनिका के पिता ने कुछ नहीं किया है। ओहो, तेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है। अभी तो मैंने दिखाया ना सबूत जो मैंने मिटा दिए। ओहो मेरे भोले भाले भतीजे, सबूत भले ही एक हो इसकी कॉपीज तो बहुत सारी हैं। मेरे लैपटॉप में, मेरे ईमेल में, यहाँ तक कि मेरे वकील के पास। कहाँ कहाँ से मिटाएगा? हर जगह से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अनिका के पिता खूनी नहीं हो सकते और ये मैं साबित करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया इधर से उधर क्यों ना करनी पड़े। अरे रे रे रे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है शिवाय। चल, तू मेरा भतीजा है तो मैं ही तुझे बता देती हूँ।
वो सब मैंने किया था। कल्याणी मिल्स को आग भी मैंने लगाई, मिस्टर कपूर को भी मैंने ही मारा। यही नहीं, अनिका के बाप की जान भी मैंने ही ली थी। आपने मुझसे How could you do it? सवाल छोड़, ये सोच, अगर मैं वो सब कर सकती हूँ तो और क्या क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती यार, मैं आपको कुछ करने नहीं दूंगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा शिवा, क्योंकि मेरे पास सबूत है तेरे माँ बाप और अनिका के बाप के खिलाफ। सबूत झूठे हैं। हाँ झूठे हैं। मैं क्या मना कर रही हूँ? ये सुसाइड नोट भी झूठा है, मैंने जबरदस्ती अनिका के बाप से इस पर साइन करवाया था। लेकिन ये बात तू कोर्ट में साबित कैसे करेगा शिवाय? तू तो बुरी तरह फंस गया शिवाय। अगर तू अपने माँ बाप को बचाने जाएगा तो अनिका का बाप दोषी साबित होगा, उसे निर्दोष साबित करने जाएगा तो तेरे खुद के माँ बाप जेल चले जाएंगे। अब क्या करेगा शिवाय? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।